जेएनयू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो रणभेरी है वो बच चुकी है। आप इस बार छात्र राजद से उसके प्रतिनिधि हैं और छात्र राजद से जेएनयू एसयू का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। एआईएसएफ से टूटने के बाद जो एआईएसएफ का पूरा प्रकरण है उस पर कुछ बताइए, क्या कुछ हुआ कि एआईएसएफ जो आप इतने लंबे समय से आप लोगों ने यहाँ पर कन्हैया को अपने संघर्षों से जितवाया भी, उसके बाद ऐसा क्या कुछ हो गया कि आपको उनसे हटना पड़ा और एक नई और आइडेंटिटी के साथ आप इस बार चुनाव में? दरअसल दो तीन महत्वपूर्ण कारण थे जिसके चलते यह फैसला हमने लिया। एक तो यह कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है हॉस्टल अलॉटमेंट में, उसका रिजोल्यूशन आ रहा था जिसको उन्होंने टेबल नहीं होने दिया और प्रेसिडेंट का जो अपना डिस्क्रिशनरी पावर है उसको एक्सरसाइज किया। और बाद में यह उन्होंने बताया कि टेक्निकलिटी में अगर हम देखें तो यह रिजोल्यूशन जेएनयूएसयू की काउंसिल की मीटिंग में पास हो चुकी थी, इसलिए इसको अलग से यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग में टेबल करने या पास कराने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि यूनियन ऐसे भी मैंडेटेड है कि इस पर लड़ेगा, वो यह निर्णय करवाएगा। लेकिन तीन महीना पहले मुझे पता चला कि ऐसा कोई रिजोल्यूशन यूनियन के काउंसिल की मीटिंग में नहीं आया, मतलब उन्होंने मुझसे झूठ बोला। एक तो यहाँ पर कि बहुत ही साफ साफ मीठे लफ्ज़ों में झूठ बोलने में उनको महारत हासिल है, और इससे यह भी साबित हुआ कि वो ओबीसी और बहुजन तबके के विरोध में उसके खिलाफ, उसके हितों के खिलाफ में काम करते रहे। बाहर कुछ बोलना, अंदर कुछ करना, हम तो आपके एक्शन से ही आपको जज करेंगे। आप खूब बोल दीजिए जय भीम लाल सलाम, लेकिन आपके किसी डिसीजन से अगर उसका अहित हुआ है तो हम मानेंगे कि आपको, आप ठीक आदमी नहीं है। दूसरा तो जयंत, जैसे आपसे उन्हें पहचानने में कहाँ भूल हो गई, आप काफ़ी लंबे समय तक उनके साथ रहे और उसके बाद भी जब वो प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद जो जिस इंसिडेंट की वजह से जेएनयू की काफ़ी चारों तरफ बदनामी भी हुई, उसके बाद भी आप उनके साथ खड़े थे, आप उनके गृह राज्य में भी गए, उनके साथ कैंपेन भी किया, क्या कहाँ जानने पहचानने में भूल हो गई? देखिए वो एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार न करता तो क्या करता। जब तक आपको यह पता नहीं चले कि यह आदमी एक्शन में कितना सही है तो आप कैसे जज करेंगे, आप तो कहीं भी धोखा खा जाएंगे। और मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मुद्दे के आधार पर ना हम आपको बोलेंगे। आपने अटेंडेंस शीट पर जाकर सबसे पहले साइन कर दिया जब पूरा जेएनयू कम्युनिटी लड़ रही थी उसके खिलाफ, यह आपका अपॉर्चुनिज्म नहीं था तो क्या था? अच्छा, दूसरा कि मैं यह कह रहा हूँ कि जब आपको भी मोदी की तरह जुमलेबाजी करने की आदत थी, आप जिनके खिलाफ लड़ने की बात, आप तो कम्युनिकेशन के छात्र हैं, आप उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए किस किस तरह से अपने हाथ मचाते हैं और कोई एक नया लफ्ज़ गढ़ देंगे। अब सीबीआई को कन्फ्यूज्ड पार्टी ऑफ इंडिया बोल दिया, ये बड़ा क्रिटिसिज्म है और ओपन प्लेटफॉर्म पर क्रिटिसिज्म है, पार्टी के 23rd कांग्रेस में यह क्रिटिसिज्म है और कई MPs ने असहमति जताई कि ऐसा कैसे बोल सकता है, और उसी कांग्रेस में आपको नेशनल काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो पिछले साल के यूनियन के इलेक्शन के बाद रिव्यू मीटिंग थी जनरल सेक्रेटरी के साथ, जब इन पर आरोप लगे कि इन्होंने अपराजिता राजा को हराने के लिए काम किया, तो इन्होंने बोला कि मुझे जेएनयू यूनिट से कोई लेना देना अब नहीं है, ना तो आपको निकाला गया जेएनयू यूनिट से, ना तो आपने रिजाइन किया, ना तो आपने छुट्टी ली अपना लिखने के लिए, तो फिर कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? ये कास्ट एरोगेंस जो है, और कोई कुछ नहीं बोला। दूसरा, सैद्धांतिक रूप से भी किसी यूनिट का प्राइमरी मेंबर हुए बगैर आप ना तो डिपार्टमेंट का मेंबर हो सकते हैं, ना नेशनल काउंसिल का मेंबर हो सकते हैं, मतलब वर्चस्व है तो आप कुछ भी करा देंगे, कहीं भी संरक्षण मिलेगा। और दूसरा कि उन्होंने अपने लोगों से मुझे यह बुलवाया कि हम शक्ति संतुलन करवा देंगे, तो लाइफ थ्रेट आप दीजिएगा किसी को? अरे भाई, रणवीर सेना की तर्ज पर आप कन्हैया सेना कैसे बनाने लगे? ये व्यक्तिवादी एजेंडा नहीं है तो क्या है? मैंने CPI सक्षम नहीं है लड़ने में, उसका यूथ विंग जो है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन अक्षम है, उसका ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सक्षम नहीं है, उसकी किसान सभा सक्षम नहीं है, उसका ATAC सक्षम नहीं है, इसलिए आपने अलग से बनाने की आपको ज़रूरत पड़ गई? एक अलग पैरेलल चलना सब कुछ। ठीक है, ठीक। उस मसले पर, और दूसरी चीज़ कि जैसे जब यहाँ से उसके बाद जब कन्हैया सबसे पहले बिहार जाते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद से भी मिलने जाते हैं और उनका चरण स्पर्श भी करते हैं, जिसको आप लोग अपने तरीके से डिफेंड कर रहे थे शुरुआत में, फिर आप लोग आते हैं कि नहीं ये तो पूरी भारतीय परंपरा है चरण स्पर्श की, उसके बाद
पूरी जो लेफ्ट है खास तौर से, यहाँ अलग अलग लेफ्ट जो हैं वो लोग अपना क्रिटिसिज्म करते हैं, मगर एआईएसएफ उसके डिफेंस में लगा रहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद किस तरीके की चीज़ें हुई, अभी फिर से जो उनका नाम उछला कि वो संयुक्त तौर पर प्रत्याशी हो जाएंगे सीपीआई के, राजद उन्हें समर्थन करेगा, तो फिर आप छात्र राजद को यहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, आगे भी संभव है ऐसा कि आप उसके साथ राजनीति करें राजद के साथ। अगर 2019 के इलेक्शन में कन्हैया को राजद समूह सपोर्ट करती है तब आपका क्या स्टैंड होगा? पहली बात तो ये कि जब 9 फरवरी का इंसिडेंट हुआ था वह उस वक्त की ज़रूरत थी कि जेएनयू के साथ खड़ा रहा जाए, जिस तरह से जेएनयू के इमेज को टार्निश किया जा रहा था, वह कन्हैया की जगह कोई भी होता तो मैं खड़ा रहता, और किसी भी संगठन का होता तो मैं खड़ा रहता, मैं क्या सारे बुद्धि विवेक वाले लोग खड़े रहते। लेकिन जब वो लालू प्रसाद का पैर छूने गए तो उनके साथ जो था लड़का वह बताया कि कलम गिर गई, कलम उठा रहे थे। मैंने कहा तुम उसको दो फ़ोन, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमने छुए हैं पैर। और जब जेएनयू आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नीतीश जी को पैर छुलवाने की आदत नहीं है, लेकिन लालू जी का पैर नहीं छुएगा तो बड़ा बुरा मान जाते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है पैर छुलवाने में। मैंने जैसे कि लालू प्रसाद के पैर इन्हीं के हाथ के इंतज़ार में मैंने टटा रहे थे। तो जब आपके मन में सम्मान नहीं है, यहाँ आप लालू प्रसाद को आ की मात्रा लगा के कुछ बोलते हैं डेरोगेटरी टाइप से। जब यहाँ पर हम निकाल रहे थे मार्च फॉर सोशल जस्टिस एंड कम्युनल हार्मनी 2015 के महागठबंधन की जीत के बाद, जब मैं पटना से यहाँ लौट रहा था और सारे साथी सारे संगठन थे, तब उसमें आप शरीक नहीं होते, दिल्ली में रहने के बावजूद जेएनयू में रहने के बावजूद शरीक नहीं, आपको बोला भी गया कि आप आएँ, आप नहीं आए। आप नीतीश जी का नाम लेते हैं लेकिन लालू प्रसाद का नाम लेने में आपको बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जब आपको मीडिया मतलब माइक कैमरा माला ये सब रहे तो मैंने ऐसा उनको मीडिया ऑब्सेशन है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर वो हर चीज़ को बेचने में लग जाते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर मन में सम्मान और इज्जत नहीं है तो पैर छू कर किस बात का मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जो मीडिया का ऑब्सेशन है उसमें आपने भी बहुत मदद की है मगर उनकी नहीं, मैंने इसलिए कि मुझे वह जिम्मेदारी ही दी गई थी पार्टी और संगठन के द्वारा कि मीडिया बार बार माथा नोच रहा है तो आप बेहतर तरीके से समायोजित ढंग से कवरेज करा दें और लोगों को ब्रीफ कर दें। छात्र राजद है उसमें ओबीसी फोरम का सपोर्ट है, ओबीसी फोरम आमतौर पे जिस तरीके से कैंपस में सक्रिय रहा है वो चुनावी राजनीति में सीधे तौर पे सक्रिय होने के बजाय सपोर्ट करता है, जैसे पिछले बार भी उन्होंने बापसा को सपोर्ट किया, इस बार ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ हैं। तो छात्र राजद में अधिकांश जो दिखती है वो यादवों की भीड़ दिखती है, और उसके बाद सॉरी छात्र राजद में नहीं, जो ओबीसी फोरम में अधिकांश जो भीड़ दिखती है वो यादवों की दिखती है, तो इसमें जो समागम है खासतौर से ओबीसी की अलग अलग जातियों का वो भी ओबीसी फोरम में नहीं दिखाई पड़ता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए एक तो ओबीसी फोरम का मैं कभी भी सक्रिय या यूं कहें कि सदस्य नहीं रहा, दूसरा मैं यह मान के चलता हूँ कि ओबीसी फोरम ने बापसा को सपोर्ट ज़रूर किया था पिछले साल या 2016 में भी, लेकिन इस बार उसके अंदर भी जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि यादव का वहाँ पर वर्चस्व रहता है या वही लोग दिखते हैं, अगर ऐसा होता तो असंवैधानिक तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से मुलायम सिंह जी के खिलाफ पर्चा नहीं निकालते, और निकालने वाले लोग वो यादव समुदाय से नहीं आते थे, वो अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, और वो उसमें जैसा कि मुझे पता चला कि वह मैंने चुनाव में नहीं जाने वाला संगठन है, चुनाव नहीं लड़ता हुआ, आप उसको अराजनीतिक तो नहीं कहेंगे लेकिन वो कहता है कि नहीं हम चुनाव से अपने आप को दूर रखेंगे, लेकिन उसी के दो मेंबर अभी बापसा के साथ कैंडिडेट हैं, सेंट्रल पैनल में कैंडिडेट हैं, इसलिए यह आरोप तो खुद ब खुद खारिज हो जाता है कि ओबीसी फोरम में किन लोगों का वर्चस्व था या कैसे था। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो लोग भी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जमहूरियत इस तरह के मूल्यों के पक्ष में होंगे वो मेरे साथ खड़े होंगे। ठीक है, इसमें एक बात और जो चारों तरफ से देखने सुनने को मिलती है आपके फेसबुक स्टेटस में या फिर जो आप मीडिया के अलग अलग पोर्टल्स पे भी लिखते हैं, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने आपका कोई खेत काटा है क्या? नहीं नहीं, नीतीश कुमार ने मेरा न तो मेरी आड़ तोड़ी है, न तो खेत काटा है, न खरियान से मेरी फसल छुड़ाई है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि 70 साल के स्वतंत्र भारत में ऐसा कभी किसी सूबे में नहीं देखा गया कि जिस घोषणा पत्र को लेकर आप जनता के बीच जाते हैं और जनता आप पर भरोसा करके आपको जनादेश देती है, उस जनादेश को मुख्तलिफ आइडियोलॉजी की पार्टी के साथ सीधे सीधे आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप हो सकता है आपको अगर ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, अगर हुई हैं तो आप रेजिग्नेशन मांग लेते, आपने वह नहीं मांगा तेजस्वी जी से।
सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री मान लिया गया, आपको विधानसभा का स्पीकर पद दे दिया गया, और ये सब आप तिक्रम करके ले कर रहे थे, ये सब पहले से मन में चल रहा था। और आप यह बयान देते हैं कि अरे लोग पूछते थे कि लालू जी का अलग मिजाज है, आपका अलग स्वभाव है, ये चलेगा गठबंधन? तो हम बोलते थे कि अरे दो चार दस महीना दस दस बीस महीना तो क्या बोलते थे, अरे 12-13 महीना तो चला ही देंगे ना कुछ ऐसा। तो मतलब कि आपकी जमींदारी तो नहीं है बिहार, आपकी जागीर तो नहीं है बिहार, आपने जनता को इस तरह से फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि आपका जो मन होगा वही वोट लीजिएगा और कुछ हो कर दीजिएगा। अरे भाई आपको यह था, और तेजस्वी जी ने तो बोला कि मुझे अगर यह पता होता कि मेरे चाचा जी इतने डरपोक हैं तो मैं कभी गठबंधन के लिए ही नहीं बोलता, न मेरे पिताजी बोलते। तो नीतीश जी के प्रति मेरी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वैसे घनघोर अवसरवादी घिनौने चरित्र, राजनीतिक चरित्र के व्यक्ति बिहार में कम ही हुए हैं, इसलिए उन्होंने बिहार की पूरी विरासत और बिहार की पूरी रिवायत को कलंकित करने का काम किया, इसलिए मेरा और निजी कहीं कोई खुन्नस नहीं है। तमाम बातों के बीच में जो चीज़ निकल करके आती है, आप भी यहाँ पर मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, आपके यहाँ दाखिला लेने के बाद मैसिव सीट कट हुआ जिसको लेकर के JNU में खासी खलबली, इसके अलावा देश दुनिया के तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी काफ़ी खलबली थी। काफ़ी लड़के जो यहाँ लड़के लड़कियाँ आना चाहते थे वो नहीं आ पाए, तो आप इस पूरे सीट कट को किस तरीके से देखते हैं? और अगर आप यूनियन में आते हैं, छात्र राजद यूनियन में आती है, तो आप किस तरीके की चीज़ें करेंगे कि ये जो सीट कट है उसको फिर से अपने पुराने स्टेटस पर लाया जा सके? जो मैंने शायद आपको बताया कि 970 सीट पर दाखिले हुए थे रिटर्न एग्ज़ाम के ज़रिए, इंट्रेंस के ज़रिए एम फिल PhD के कोर्सेज में, वो 2016 में, और 2017 में 102 पर वो सिमट गया। तो जितने भी MA करने के बाद लोग थे, मैक्सिमम सेंटर्स में 2 साल से एडमिशन नहीं हो रहे हैं, और जो क्वालिटी एडमिशन प्रोसेस इसने अपना रखा है कि 50% फ्लैट क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया है सारे कैटेगरीज़ के लिए, और वाइवा वोसे का वेटेज 100% कर दिया था। तो जिस वाइवा वोसे के मार्क्स घटाने की बात थी कि 30 जो है उसमें सब्जेक्टिविटी आड़े आ जाती है, वो चाहे लैंग्वेज के आधार पर हो, रीजन के आधार पर हो, कास्ट रिलीजन के आधार पर हो, तो उसको घटाने की लड़ाई चल रही थी। अब वो 10% करने की बात थी, और सुप्रीम कोर्ट भी बोला है एक बार कि 15% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, IMC में भी 15% था, इधर शायद वहाँ भी बढ़ा दिया है। तो पूरे देश भर में यही खेल चल रहा है, और इसके पीछे मंशा थोड़ी ठीक थी। मंशा यह थी कि एक ही प्रोफेसर के साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स काम कर रहे होते हैं, तो उतना टाइम नहीं दे पाते, तो क्वालिटेटिव डिक्लाइन आ रहा है शोध, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता था। लेकिन JNU में जहाँ प्रोफेसर और छात्र के बीच बड़ा निजी संबंध मधुर होता है, घर पर जाकर भी वो एक्स्ट्रा टाइम दे भी देते हैं, और कई लोग करवा रहे थे, उसमें दिक्कत नहीं थी। तो बजाय इसके कि छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने के आपने सीट कट कर दी, बजाय इसके कि रिक्रूट करते उसको ठीक करने के लिए रेशियो को, टीचर्स को, और जावड़ेकर ने एक झूठा आश्वासन दिया था, और झूठे बल्कि आंकड़े पेश किए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम इसी सत्र से सीटें दुगुनी करने जा रहे हैं, शरद यादव जी ने सवाल किया था राज्यसभा में, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, वो सीटें आज तक वापस नहीं मिली। ठीक है, तो हमने देश दुनिया की बात की और बिहार की भी बात की, मगर JNU कैंपस पर कुछ खास बातचीत नहीं हुई, तो आप जो इस यूनियन इलेक्शन में छात्र राजद का क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा है के छात्रों के बहुत बीच में जा स्पष्ट रहे शब्दों में और बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमें कैंपेन के लिए भी निकलना है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस, DSS, इसको हमको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करना है, और यही इस देश को जोड़ के रख सकता है, इस बहुलतावादी देश को, विविधता से भरे देश को, और अलग अलग किस्म के रंग से भरे समाज को सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर टिकाए रखा जा सकता है। इसलिए नजीब गायब ना हो पाए दिन दहाड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि सेकुलरिज्म का स्पिरिट जिंदा रहे, कम्युनल हारमोनी बरकरार रहे, किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं हो। ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम यूनियन में आते हैं तो हम सर्विलांस कल्चर को ख़त्म करने का काम करेंगे, सबसे पहले उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हर हॉस्टल के बाहर CCTV कैमरे बिठा दिए गए, क्यों भाई, इसकी क्यों ज़रूरत है? तो इस सब जो खेल चल रहा है यहाँ पर, फी हाइक हो गया है, अब बताइए कि लगभग 50% आबादी ऐसी है जो JNU में ना होती तो दिल्ली में नहीं होती, तो वैसे लोगों को पढ़ने का हक है कि नहीं? शिक्षा को तो फ्री कर दिया जाना चाहिए,
लेकिन वो उसके साथ खेल चल रहा है। ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था का गलगोटियाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, लवलियाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसको रोकने के लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करें। देखिए लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, वहाँ लाइब्रेरी का भी जो है फंड उसमें भी कट हो गया है। जो आपको रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ के आए हैं उनके लिए ट्रांसलेटेड बुक्स नहीं है। हमारा यह सबसे बड़ा मुद्दा है, हम इसको बहाल कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई किताबें आ पाएँ। अलग अलग देश में जो लोग जाते हैं पेपर पढ़ने और तमाम तरह के फील्ड ट्रिप पर, उसको सही सही फेलोशिप और तमाम तरह के स्कॉलरशिप मिल पाएँ, उसमें देर ना हो, इनिशिएट करके खुद। अरे यूनिवर्सिटी का नाम होता है, नैक ने तो इसको एक ग्रेड की यूनिवर्सिटी बना के रखा है, तो फिर क्यों? और ये भी मैं साथ साथ जोड़ूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले लड़ाई, पढ़ाई तब लड़ाई, पढ़ो लड़ो तो साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ गरीब गुरुओं के बच्चे पढ़ने, इसलिए JNU का नाम नहीं है। JNU का नाम इसलिए भी कि यहाँ एक से बढ़ के एक इकोनॉमिस्ट, एक से बढ़ के एक हिस्टोरियन, एक से बढ़ के एक सोशल साइंटिस्ट, एक से बढ़ के एक सेफोलॉजिस्ट, तमाम क्षेत्र में, साहित्य जगत से लेकर समाज कार्य में, सब जगह इसने अपनी एक भूमिका निभाई है। चाहे इमरजेंसी का पीरियड हो, चाहे उसके बाद का दौर हो, चाहे कहीं पर कोई दंगे भड़क रहे हों तब यहाँ के लोग उसमें भूमिका निभा रहे हों। तो इसलिए इस रिवायत को बचाए रखने की जरूरत है, डेमोक्रेटिक कल्चर बहाल हो और सर्विलांस कल्चर का सत्यानाश हो। ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज़, जैसे इस बार कंबाइंड लेफ्ट लड़ रही है और विद्यार्थी परिषद अपनी चारों सीटों पर जैसे लड़ती रही है आमतौर पर, उस तरीके से लड़ रही है, तो इसमें एक चीज़ जो मुझे यहाँ की फिज़ा में सुनने को मिली है, JNU कैंपस की फिज़ा में, कि अगर जयंत AISF में होते तो जयंत को चूंकि अध्यक्षी लड़नी थी और वो अध्यक्षी वहाँ नहीं मिल रही थी, इसलिए सारी टूट फूट हुई है। और जयंत इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से छात्र राजद का फोरम बनाया। इसमें आप इसको किस तरीके से जस्टिफाई? इसमें इससे बड़ा कुछ झूठ हो नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ कि इन जो AISF है वो आज से अकेले नहीं लड़ रहा है, अगर लड़ना होता तो इस पर भी सहमति होती। लड़ना और एक दो चुनाव या JNU का चुनाव को ध्यान में रख कर मैं कोई फैसला ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपने खत पढ़ा हो तो आप पूरी डिटेल में, मैंने बड़े विस्तार से बताया है कि ये वो लोग हैं, मैंने एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, चार छह चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे, इस सिंड्रोम के शिकार लोग हैं ये। दूसरे को ये बोलने नहीं देते। हम कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व आरक्षण इसमें भी होना चाहिए कि आप सदियों से जो बोलते रहे वो सिर्फ बोलेंगे नहीं, और आपको जो शालीन श्रोता बन के सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि वो भी बोलेंगे और आप भी बिना नाक भौंसे करो उनको सुनेंगे। जब किसी भी चीज़ पर हम सवाल उठाते थे, जैसे महिला आरक्षण विधेयक, हम कहते थे कि जो स्टैंड BJP का है वही स्टैंड CPI का है, वही स्टैंड CPM का है, ऐसा क्यों है? सारी महिलाएं शोषित हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा शोषित कौन? अरे भगवतिया देवी, पत्थर तोड़ने वाली, और जो मेल शोविनिज्म डोमिनेंट पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें मुखालफत की ज़बरदस्त आवाज़, जो अभूतपूर्व आवाज़ है, पुलन देवी, इन दोनों की आवाज़ भी गूंजनी चाहिए। सिर्फ सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी ही क्यों पहुँचे, वो भी पहुँचे, लेकिन ये भी पहुँचे, इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा। तो फिर ये बातें, ये सवाल उनको बहुत चुभते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सैद्धांतिक सवाल उठा रहा हूँ कि आप जो है जिन मजदूर वंचित शोषित तबके की लड़ाई लड़ते हैं, फुल टाइमर से भी कम सफाई कर्मी का वहाँ पर वेतन है, मेहनताना देते हैं आप पार्टी मुख्य दफ्तर में, तो ये सवाल क्या, इन सवालों को क्यों नहीं एड्रेस किया गया? और कई बार हमने पार्टी फोरम पर ये बातें उठाने की कोशिश की कि जो भी यहाँ चुनाव लड़ लेता है अपने आप को अलग कर लेता है पूरी एक्टिविटीज़। अरे भाई चुनाव इलेक्शन तो एक एक्टिविटी है पॉलिटिकल, सारी पॉलिटिक्स थोड़े है। आप न पर्चा लिखते, न पोस्टर साटते और किसी और से सटवाने, जैसे जमीन जोतेंगे नहीं जुतवाएंगे, काम करेंगे नहीं करवाएंगे, हल चलाएंगे नहीं हल चलवाएंगे, हरवाहा रखेंगे, ये कल्चर है। ये लोग अंदर से कमरे के अंदर जातिवादी, कमरे के बाहर साम्यवादी। और जो आप सवाल इस चुनाव को ध्यान में रखे मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, ये जो है अगर मुझे करना होता छात्र राजद का गठन चुनाव को ध्यान में रख के, मैं 2-3 महीना पहले करता, 2-3 महीना पहले मैं बात करता JNU स्टूडेंट कम्युनिटी से कि आप लेफ्ट राइट के बाइनरी के बीच न फंसते हुए एक ऐसी विचारधारा में यकीन करने वाले दल के छात्र संगठन के प्रत्याशी के रूप में मुझे सपोर्ट वोट और इलेक्ट कीजिए, ताकि यहाँ पर बिना कोई समझौता किए हुए हम हर मसले पर आपकी आवाज़, आपके सवाल को मुखरता के साथ उठा सकें, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, चाहे जेंडर जस्टिस का मामला हो, GSKS की गरिमा को पुनर्बहाल करने का मामला हो, फी हाइक का मामला, उसके खिलाफ लड़ने का मामला हो,
सीट कट का मामला हो या रोस्टर का मामला हो, इस पर न तो हम न हमारे नेता कभी झुके न हम झुकेंगे, और रोहित वेमुला जैसे लोगों की सांस्थानिक हत्या न होने पाए इसके लिए भी हम पूरी संजीदगी से कोशिश करेंगे। तो ये थे जयंत हमारे साथ JNU कैंपस से बातचीत करने के लिए। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण और इंटरनेशनल फोटोग्राफर राजेश कुमार से।